देखिए, जैसे हमने कल बताया था कि ये एक सिस्टमैटिक प्लान है जो हिसाब से छावनी बन चुकी थी अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर। अरविंद केजरीवाल जी को एक नजर बंद करके रखा था, हाउस अरेस्ट करके रखा था। ये संकेत दे रहे थे कि उनको अरेस्ट होगा। ये कुछ नहीं है, एक शर्मनाक बात है, लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि एक नेता जो है, जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, सच्चाई बयां कर रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इस चुनाव में कुछ भी काम ना कर सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना जो काम कर रही है गलत तरीके से वो करते रहे। देखिए, इस तरह से चलते रहेगा ना तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। क्योंकि हर लीडर जो इंडिया अलायंस का है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी, कल कोई और नेता होगा। भारत की जनता को यह समझना पड़ेगा अभी कि ये क्या गलत हो रहा है और ये घातक है। इसलिए इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जो अरेस्ट है वो नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह से है तो सब नेतागण दूसरे जो भाजपा के हैं वो भी जो गलत करते हैं उनको भी अरेस्ट करिए। क्यों सिर्फ आप इंडिया अलायंस और अपोजिशन को टारगेट करें? क्योंकि तुम्हें डर है। डर इस बात का है कि अगर इंडिया अलायंस मजबूत हो और आगे आए तो तुम नहीं जीत पाओगे, लेकिन ये नहीं होगा। इंडिया अलायंस मजबूत है और अब ये जो हुआ है उसके बाद और मजबूत होगा और डट कर लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सामने डट कर लड़ेंगे और देश की जनता की सेवा जो करने का हमने संकल्प लिया है, प्रण लिया है, वो हम करके रहेंगे।